हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद भाई का ज्ञान। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एलपीएम वाइवा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं एग्जामिनर पे कि वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सो वी कांट प्रेडिक्ट देम, बट फिर भी कुछ जनरल टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको जनरली जो लाइवस्टॉक सेंसस 2019 है उसके अकॉर्डिंग सारे डाटा जो हैं वो याद करने हैं। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि इंडिया की लाइवस्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, और इंडिया की रैंक कितनी है लाइवस्टॉक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एग प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है। इसके अलावा स्टेट वाइज आपको रैंकिंग भी पता होनी चाहिए लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की, मिल्क प्रोडक्शन की एंड एग प्रोडक्शन की। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक रखता है इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। इसके बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रीड्स। ब्रीड्स से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ब्रीड्स जो है उनका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, रूमिनेंट्स का, पोल्ट्री का, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स एंड लेबोरेटरी एनिमल्स, सबकी आपको ब्रीड्स पता होनी चाहिए। उनके साथ साथ ब्रीड्स में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हुए होते हैं, तो जिस भी ब्रीड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिए हुए हों आपको वो पता होना चाहिए, लाइक सवाई चाल, इसके अलावा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल, इसके अलावा हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको ब्रीड्स जो हैं उनमें हाईएस्ट प्रोडक्शन वाली ब्रीड्स और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली जो ब्रीड्स है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर्स या इंस्टीट्यूशंस। तो आपको जो इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लाइक IVRI, NDRI, काजरी, इन सब की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और साथ में इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो इनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जनरल टर्मिनोलॉजी। तो इससे भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन कैटल इज कॉल्ड एज मेल ऑफ कैटल, मेल ऑफ शीप, मेल ऑफ गोट, व्हाट इज स्टफिंग, व्हाट इज सर्विंग। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ट्रेड या रिप्रोडक्शन ट्रेड्स। तो जितने भी एनिमल्स हम पढ़ते हैं आपको उनके रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ट्रेड्स याद होने चाहिए, लाइक सर्विस पीरियड, ड्राई पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोल्ट्री। पोल्ट्री जो है उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको उसका स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, लाइक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स इन इंडिया। इसके अलावा आपको उसकी जो ब्रीड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, लाइक मेडिटेरियन क्लास, इंग्लिश क्लास, अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास। इसके अलावा आपको कौन सी एक पर्पज़ ब्रीड्स हैं, कौन सी मिड पर्पज़ ब्रीड्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पोल्ट्री में जो कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होना चाहिए, इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इनक्यूबेशन क्या होता है, हैचिंग क्या होती है, ब्रूडर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोडर। सो फोडर में आपको सीजन के अकॉर्डिंग एंड कंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो पता होना चाहिए, लाइक सीजन के अकॉर्डिंग होता है रबी, खरीफ एंड जायद, एंड जो कंटेंट्स हैं लाइक प्रोटीन कंटेंट्स उसके अकॉर्डिंग होता है लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। इनका आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट जो फोडर्स हैं लाइक ल्यूसन, बरसीम, ओट, मेज, इनके आपको बॉटनिकल नेम जो हैं वो भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट इन फोडर आपको पता होना चाहिए फोडर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आपको क्वीन ऑफ फोडर एंड किंग ऑफ फोडर पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है एंड साइलिस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फोडर के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जनरल एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स। सो जनरल एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स लाइक कलिंग, डॉकिंग, रफेज, कंसंट्रेट, फ्री मार्टिन। सो यू शुड नो ऑल दीज जनरल एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स, ये हमेशा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ से जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के पूछे जाते हैं कि साइंटिफिक नेम्स जो हैं आपको इम्पोर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स के पता होने चाहिए, लाइक लायन, टाइगर, ब्लू बुल, सो ये सब। इसके अलावा आपको जो नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज हैं इंडिया में उनके नंबर्स पता होने चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं और जो सेंचुरीज हैं उनके नाम और उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
जनरल प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो आपको जो जो भी मैनुअल्स में जनरल प्रैक्टिकल्स करवाए हुए होते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, लाइक मेथड्स ऑफ मेकिंग, मेथड्स ऑफ रीस ट्रेनिंग, तो ये जो जनरल चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइफ स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जो कॉलेजेस हैं उनका लाइफ स्टॉक फार्म जो है वो अपना अपना अलग अलग होता है, तो आपको अपने जो कॉलेज का लाइफ स्टॉक फार्म है उसकी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो फार्म है उस पर कौन कौन से एनिमल्स हैं और कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग हैं, इसके अलावा जो कितनी यूनिट्स हैं फार्म पे, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको फार्म के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेट एनिमल। फॉर एग्जांपल राजस्थान का स्टेट एनिमल है कैमल, तो आपको कैमल की ब्रीड्स पता होनी चाहिए, इसके अलावा उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एट लास्ट सम अदर क्वेश्चंस मे बी आस्क लाइक व्हाट इज बुल बुलक एंड स्टीयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। इसके अलावा जो हाउसिंग है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, जैसे हाउसिंग ऑफ हॉर्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेबल बोलते हैं। इसके अलावा हाउसिंग ऑफ स्वाइन, तो ये जो क्वेश्चन है जनरली ये भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इतना सब जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको पता है तो यू विल बी डेफिनेटली कॉन्फिडेंट इन योर वाइवा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।